मॉर्निंग सिक्स क्लास लास्ट टाइम वी हैव कवर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर जनरेशंस. ओके, अगर उसमें आपको कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं ऑन माई पर्सनल नंबर. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज. ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज पेज नंबर आपको मिलेगा 8 पर. ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइज. अब हमें ये देखना है कि साइज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे कंप्यूटर्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है. फर्स्ट है सुपर कंप्यूटर्स, सेकंड इज़ मेन फ्रेम कंप्यूटर, थर्ड वन इज़ मिनी कंप्यूटर एंड फोर्थ वन इज़ माइक्रो कंप्यूटर. ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास सुपर कंप्यूटर. एज द नेम सुपर कंप्यूटर सजेस्ट, जैसे हमारे को देखो नेम से पता चल रहा है सुपर मीन्स बड़ा. ठीक है, साइज़ में बहुत बड़ा कंप्यूटर होता है, पावरफुल होता है. दे आर यूज फॉर स्पेशल पर्पज़, दे हैंडल मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्टैटिस्टिकल एप्लीकेशंस और प्रोग्राम्स. ठीक है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं कि ये बहुत इसके ऊपर बहुत ही हाई लेवल के टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है. ठीक है, दे हैव वेरी हाई मेमोरी कैपेसिटी, इसमें मेमोरी भी ज़्यादा लगेगी, जितना बड़ा सिस्टम होगा उतनी ही बड़ी मेमोरी होगी. ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग इज़ अल्ट्रा फास्ट, हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज यूज इन दिस कंप्यूटर्स. ठीक है, कॉस्ट वेरीज फ्रॉम $1 million to $5 million, और इसकी जो कॉस्ट आती है वो कितनी आती है, $1 million to $5 million. ठीक है, एग्जाम्पल्स पैरम, युवा, सेकेंड, टाटा, इका, सुपर कंप्यूटर्स, ये जो हैं एग्जाम्पल हैं सुपर कंप्यूटर के. इसके ड्रॉबैक क्या है, मतलब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, हमें इसको यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑपरेटिंग अ सुपर कंप्यूटर रिक्वायर्स हाईली स्टाफ, इसको ऑपरेट करने के लिए हमें हाई क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत है, पर्सन ज़्यादा चाहिए, एक्सपर्ट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर सच कंप्यूटर इंजीनियरिंग. इसके लिए एक्सपर्ट्स की नीड होती है, हाईली सेंसिटिव होते हैं ये, दे आर नॉन पोर्टेबल वेरी लार्ज इन साइज, साइज़ में बहुत बड़े होते हैं और नॉन पोर्टेबल होते हैं. ठीक है, ये तो था सुपर कंप्यूटर. नेक्स्ट है पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 पे आपको मिलेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर. दीज आर वेरी पावरफुल एंड लार्ज कंप्यूटर्स. ठीक है, ये भी बहुत बड़े होते हैं और पावरफुल होते हैं. दे कैन हैंडल मैनी यूजर्स एट अ टाइम, ये एक ही टाइम पे कई सारे यूज़र्स को हैंडल कर सकते हैं. यूज़र कौन होते हैं, जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं. टर्मिनल आर यूज टू कनेक्ट यूजर्स टू दिस कंप्यूटर एंड यूजर सबमिट देयर टास्क थ्रू टर्मिनल्स. टर्मिनल इज़ अ डिवाइस विच हैज़ कीबोर्ड एंड अ स्क्रीन. इस कंप्यूटर पे एक डिवाइस अटैच होता था टर्मिनल नाम का. ठीक है, और वो टर्मिनल जो होता था वो किससे कनेक्ट होता था, कीबोर्ड और स्क्रीन से. दीज आर मोस्टली यूज एज सर्वर फॉर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. इसको हम किस लिए यूज़ करते थे, इंटरनेट को यूज़ करने के लिए, वेबसाइट्स को यूज़ करने के लिए. इसके फीचर क्या क्या हैं, स्मॉलर इन साइज देन द सुपर, वैसे तो ये बड़ा था लेकिन सुपर कंप्यूटर से थोड़ा छोटा है. लार्ज मेमोरी, ये भी लार्ज मेमोरी यूज़ करते हैं. अलाउ नेटवर्किंग अप टू 100 टर्मिनल्स, इसमें 100 टर्मिनल्स तक हम नेटवर्किंग का यूज़ कर सकते हैं. कॉस्ट इन लैक्स, इसकी कॉस्ट जो है लैक्स में आती है. सुपर कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो कितनी आती है, 1 million to 5 million, और मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो कॉस्ट है वो लैक्स में आती है. ठीक है, तो ये भी महंगा. इसके एग्जाम्पल क्या हैं, फुजिस्टू, ICL, VME, IBM, जी सीरीज एट्सेट्रा. इसके ड्रॉबैक्स देखो क्या हैं, एक्सपर्ट्स एंड हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स आर रिक्वायर्ड. इसके लिए भी हाई क्वालिफाइड प्रोफेशनल की जरूरत होती है. सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग द कंप्यूटर. इस कंप्यूटर की मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए भी हमें बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी की नीड होती है. देखो ये है IBM Z सीरीज, ये कंप्यूटर के डायग्राम बने पड़े हैं, यू कैन सी. ओके, थर्ड वन इज़ मिनी कंप्यूटर. मिनी नाम से पता चल रहा है छोटा. दिस कंप्यूटर्स केम इन टू एग्जिस्टेंस इन 1960. ये कब आए थे हमारे पास, 1960 में. एट दैट टाइम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वर वेरी कॉस्टली. उस टाइम पे जो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स थे बहुत ही कॉस्टली थे. मिनी कंप्यूटर्स वर अवेलेबल एट लोअर प्राइसेस. लेकिन जो मिनी कंप्यूटर हैं वो कम प्राइसेस में मिलते हैं, जो 1000 की रेंज में आते हैं. ठीक है, सो यूजर्स स्टार्टेड यूजिंग दिस कंप्यूटर. तो लोगों ने इसको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया. अब इसके फीचर देखो क्या क्या हैं, हायर प्रोसेसिंग स्पीड देन लोअर कैटेगरी कंप्यूटर बट स्लोअर देन सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर. वैसे तो इसकी जो स्पीड है वो हाई होती है, लेकिन स्लो किससे है, जो हमारे सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर से, इसकी स्पीड जो है वो स्लो है. देयर आर एक्सपेंसिव एंड लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स. दे आर एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव होते हैं और लार्जर बड़े होते हैं किससे, माइक्रो कंप्यूटर. हमारा नेक्स्ट अभी आएगा ना माइक्रो, उससे बड़े होते हैं. मोस्टली यूज़ है सर्वर टू कंट्रोल द नेटवर्क्स. इसका मोस्टली यूज़ क्या होता है, नेटवर्क्स को कंट्रोल करने के लिए. एग्जाम्पल PDP-11, वैक्स, 7500, मैगनम एट्सेट्रा. ठीक है, तो ये है हमारे मिनी कंप्यूटर्स. पेज नंबर 8 एंड 9 वी हैव कवर्ड. नाउ
पेज नंबर 10 आर टॉपिक इज माइक्रो कंप्यूटर, जो इसका फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है वो है माइक्रो कंप्यूटर्स। दीज कंप्यूटर्स यूज अ माइक्रो प्रोसेसर चिप कॉल्ड CPU। ठीक है, अब जो हम कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं ना, जिसमें हम CPU का यूज़ करते हैं, वो हमारे माइक्रो कंप्यूटर होते हैं। टू मेजर टाइप ऑफ दिस कंप्यूटर्स आर लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। जो हम घर पे कंप्यूटर, जो स्कूल में कंप्यूटर्स होते हैं, वो डेस्कटॉप कंप्यूटर होते हैं, और जो लैपटॉप होते हैं वो। ओनली वन यूज़र कैन दिस यूज़ दिस कंप्यूटर्स एट अ टाइम। एक टाइम पर एक ही यूज़र इसको यूज़ कर सकता है। PC बोलते हैं इसे, पर्सनल कंप्यूटर। दे आर यूज्ड एवरीवेयर लाइक स्कूल, ऑफिसेज, शॉप्स। अब देखो इसके फीचर क्या क्या हैं। ये स्मॉलर होते हैं मिनी कंप्यूटर से, हाई स्पीड कंप्यूटर, कॉस्ट इसकी 1000 में आती है, साइज़ में भी पोर्टेबल होते हैं। दिस कंप्यूटर यूज़ रैम, कंप्यूटर में रैम का यूज़ होता है, जो हमारी इंटरनल मेमोरी होती है। ठीक है, दिस कंप्यूटर सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। जैसे हम पेन ड्राइव का यूज़ भी कर सकते हैं इसके अंदर, डिस्क का भी यूज़ कर सकते हैं, DVD का भी यूज़ कर सकते हैं। दे सपोर्ट ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। देखो लैंग्वेजेस होती है जिससे हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इन कंप्यूटर में हम लैंग्वेजेस का भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे फोर्ट्रेन, बेसिक कोबोल, पास्कल, C++, C#, C#, जावा, SQL, ये सारी लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ डायग्राम दिए हुए हैं हमें। ये है डेस्कटॉप कंप्यूटर, ये है एप्पल का iMac 20, ये है लैपटॉप। तो ये जो हमारे हैं सारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। ठीक है, तो टुडे वी हैव कवर्ड क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू देयर साइज। अब आपको ये जो टॉपिक है इसको अच्छे से रीड करना है, पेज नंबर 8, 9 and 10। ठीक है, पेज नंबर 8, 9 and 10 यू हैव टू रीड एंड ट्राई टू फाइंड बैक एक्सरसाइज और वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स। ओके क्लास, थैंक यू।